अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा अवकाश। ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था केला इन से, टॉवल ख़त्म हुए हुए थे। मैंने को टॉवल, बेडशीट्स चाहिए थी मुझे, कर्टन मंगवाए थे मैंने वहाँ जहाँ पे ग्रीन सोफा रखा है ना, उसके बैक पे बेस नहीं थी नेट वाले पर्दे के पीछे। कैंची ले, मेरे बाल काटने वाले हो? नहीं तेरे, मैं इसको ट्राईपॉड पर लगाती हूँ फिर करना ना। ये है जी कुशन के कवर, एक ये भी है बेडशीट, और ये जो कुशन के कवर जो झूला रखा हुआ है बाहर उसके लिए, ये झूले में कवर आए हैं जी। अच्छे आए हैं, चलो अच्छा हुआ। ये बैग पे क्या है? कुशन हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट, वो एक गंदा जाता दूसरा चढ़ा दूसरा। तो प्रूफ मैट्रेस कवर मंगाया था, इस वाले मैट्रेस का नहीं था ना? हाँ इसका नहीं था, अभी मैट्रेस जो नहीं आया उसका नहीं है, ये इसको बना लेना। और ये जो आपने बिस्तर कहा था मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट सा बिस्तर मंगवा दो, ये तो पहले भी आया है। ये सब कुशन है ना, ये क्या खोल जाएंगे क्या? हाँ अभी निकालो ना इनको, फिर ये सही है। मैजिक नहीं है इसमें, वो कंप्रेस करके डाला होता है ना। वाकई जब था तो इस तरह था, ये आपने बोला था ना मुझे ये वाला मंगवाने के लिए, और इस साइज ये जो लार्ज साइज होता है आस्ता आस्ता बड़ा होता जा रहा है। हाँ ये ठीक हो जाएगा, और फिर फ्लफी हो जाएगा। चाहे पर है ना पक्के वाले, वो तो नहीं माशाल्लाह से, लेकिन बोर हो जाएंगे ये देखें, वो बोर नहीं होंगे यार ये देखें। और फिर इतना दिमाग मेरा तो क्या लेने नहीं रह देती थी, मैंने बोला ये है इनसे उधार वाले से, गरीब औरत तो क्या नहीं लेने देती, गरीब औरत बार बार नहीं बोलते थे, एक ढंग का तो क्या नहीं है मेरे पास। एक ये भी क्वेश्चन आया, ये भी अच्छा आया, ये देखो ये देखो इधर देखो खुलता जा रहा, ये देखो हाँ वही ना, ओके भाई। उसके बाद जो है हम लोगों ने तकियों पे कवर वगैरह चढ़ाए हैं, तकिया आप देखें कितने फ्लफी हो गए, और जिस टाइम आए थे कितने फ्लैट थे। और ये अभी इस वीडियो को जो है शूट किए हुए आई थिंक 20-25 दिन हो गए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका था एडिटिंग का। आज भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, क्योंकि सब मैसेज कर रहे थे अभी व्लॉग नहीं डाला। तो हमने जो है ये वीडियो दो पार्ट में शूट की थी, क्योंकि मैंने दो डब्बे मंगवाए थे, एक आ गया था, एक जो था वो 2-3 दिन बाद आया था। तो फिर मैंने इसी वीडियो में वो भी ऐड कर लिया था, कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ बाय करनी हो, क्योंकि जो दूसरी चीज़ थी ना वो थी ब्राइडल बेडशीट, जो कि सॉलिड में आती है, जिसमें होता है सारा सामान, बेडशीट, रजाई कवर, बेडशीट कवर, दो तकिए और दो कुशंस। अब यहाँ पे देखें मैं मैट्रेस कवर चढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसके ऊपर जो है मैं बेडशीट बिछाऊंगी। एक तो बेडशीट इस तरह से ना, जो मैट्रेस कवर है वो गंदा भी नहीं होता आपका, और काफ़ी टाइम चलता है, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला बेड है उसके ऊपर मैट्रेस कवर बिछा हुआ है आई थिंक उसको 2 साल होने वाला है, वो मेरा ख़राब नहीं हुआ। और अगर कभी होता ना गीला, कोई पानी गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए, तो फिर मैं उसको रात को भी धो देती हूँ पानी में, सुबह उठ के खंगाल लेती हूँ, रगड़ती मसलती नहीं हूँ ना, मशीन में धोती हूँ मैं उसको, हाथ से धोती हूँ, तो बहुत सही रहता है वो। अब यहाँ पे देखने बेडशीट चढ़ गई है, और इनकी जो बेडशीट है ना वो भी प्योर कॉटन में है, और इसका कलर ख़राब नहीं होता। और जो कोई बेडशीट ऐसी होती है जैसे मुझे साल हो गया उसको यूज़ करते हो, तो मुझे किसी को देनी हो ना, तो वो भी यही बोलता है तो बिल्कुल नहीं है, आपने नहीं यूज़ करनी। फिर मैं बोलती हूँ नहीं भाई मेरे पास हैं अभी और ज़्यादा, आपको चाहिए तो आप ले लो, मैं किसी को देती हूँ, तो वो भी नहीं मानता कि ये यूज्ड है, क्योंकि इनका कलर ख़राब नहीं होता। उसके बाद ये रज़ाई है, अब आप देख लें रज़ाई कितनी सॉफ्ट है। अभी इस रज़ाई का कवर नहीं आया, वो जो नेक्स्ट पार्सल आएगा वो उसमें आएगा, लेकिन रज़ाई बहुत सॉफ्ट है भाई। तो बेडशीट बिछ गई है, कुशंस भी लग गए हैं, रज़ाई भी हो गई है, और यार क्या स्टफ है रज़ाई का, ये देखें कितना सॉफ्ट है। सही जो धंसने वाला बिस्तर चाहिए था, बोल रहा था ऐसा बिस्तर मंगवा मैं धंस जाऊँ, मैं धंस जाऊँ उसके। मैंने कहा बताया आपकी मर्जी का आ गया, अभी अभी हमारा अभी एक और पार्सल आने वाला है, उसमें ना इसका पूरा सेट है, वो भी आ जाता है, फिर मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। कर्टन भी मंगवाया है मैंने, मुझे ये भी डर है कि डब्बा ही ना कट जाए, नहीं डब्बा तो बेशक कटे, सामान ना कट जाए मेरा। आओ पता नहीं कैंची पकड़ी हुई है। ओके तो डब्बा हमारा खुल गया है, ये मेरे सोफा कवर मैंने ऑर्डर किए थे डार्क ब्राउन से कलर के, तो वो आ गए हमारे। अच्छा 3 सीटर, उसके बाद ये बेडशीट आई है, और ये फाइनली मेरे ग्रीन कर्टन आ गए हैं जो मुझे चाहिए थे, वेलवेट के ग्रीन कलर के। ये मैंने जो हमारा ड्राइंग रूम है ना वहाँ लगाने दोनों,
बेस्ट हो गया। ये वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर जो है चाची को चाहिए था, मैंने चाची के लिए मंगवाया था। ये भी जर्सी फिटेड शीट है। और दो टॉवल मंगवाए थे मैंने, एक मंगवाया था ग्रीन कलर का ड्राइंग रूम वाले वॉशरूम में रखना है मैंने, और एक ये हमने मंगवाया था ब्लैक कलर का, ये हम लोगों को रखना है अपने कमरे के वॉशरूम में। ठीक है, टॉवल सेट इनके बहुत ही हसीन है, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। सारी चीज़ें मैंने खोल ली हैं, टॉवल बहुत ही हसीन है ये वाला, और ये जो कर्टन मैंने मंगवाया था ना ये वाले, ये भी बहुत प्यारे हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। खैर मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ और मैं इसको लगा के भी दिखा देती हूँ आपको ना ड्राइंग रूम में। ये देखें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जो सोफ़ा है वो ऐसा ही है, मैं आपको दिखाती हूँ ले जाके। ये जो बेस लगी हुई है, मतलब ये जो नेट लगी हुई है ना, इसके पीछे मैंने ये वाली बेस लगानी थी। उसका रीज़न ये था कि कर्टन मैंने ऐसा रखे हुए हैं, सॉरी सोफ़ा मैंने ऐसा रखा हुआ है यहाँ पर टू सीटर, तो अभी जब ये लगेंगे ना, मतलब ये बेस तो आपको पता है साइड पर चली जाती है फोल्ड होकर, और फ्रंट पर नेट ही रहती है, तो ये हसीन लगेंगे ज़्यादा मुझे लग रहा था। आप देखते हैं कैसे लगेंगे। और टॉवल भी मैंने, इसका वॉशरूम इस तरफ है तो इसका टॉवल भी मैंने ऐसा ही मंगवाया ग्रीन। ओके भाई, तो ये था वो सॉलिड बेड शीट का सेट जो कि ब्राइडल सेट के अंदर आता है। रज़ाई के ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया था, तकियों पे भी और कुशंस पे भी, और ये बहुत अच्छी बेड शीट है, बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ करूँ कम है। यहाँ पे बलाज लैम्प का बटन ऑन कर गया था तो मैं वो ऑफ़ कर रही हूँ, आप देखें। और ये रज़ाई जो है ना वो दिखने में इतनी लाइट वेट है, पर ये इतनी गर्म है ना कि सर्दी नहीं लगती इसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि हमें यूज़ करते हुए 20-25 दिन हो गए हैं इसको। बहुत ही अच्छा सेट है, अगर किसी ने बाय करना है तो रिकमेंडेड है। बाकी इसके अलावा मेरा डिस्काउंट कोड भी है, आप लोग वो बाय कर सकते हो। और ये जी हमारा टॉवल सेट है, ये अभी मैंने वॉशरूम में लगाना है, अभी मैंने लगाया नहीं है। उसके बाद बच्चों के कमरे में जा रही हूँ मैं, बच्चों के कमरे में जो है इस टाइम बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलें मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ये फ्लोरल बेड शीट थी बटरफ्लाई वाली, और ये बहुत हसीन लग रही थी, आप लोगों ने शायद पिछली वीडियो में देखी। फ्लोरल बेड शीट है, कलर बहुत प्यारा है, बटरफ्लाई बनी हुई है, और बच्चों ने बड़ी पसंद की थी, मामा वाओ बटरफ्लाई बनी हुई है, फ्लावर्स बने हुए, तो बहुत हसीन। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं कैलाइन से मैंने मंगवाई थी, सब चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड है आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बाय करना इनकी टॉवल, इनकी बेडशीट, सोफ़ा कवर, कर्टेंस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी ख़राब होती हो। और इनके जो मैट्रेस कवर है वो मैं हाथ से वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। और मैट्रेस कवर के ऊपर जो है ना वो जर्सी फिटेड कवर या कोई शीट लाजमी बिछाती हूँ, जिससे मैट्रेस कवर पर दाग ना लगे, क्योंकि मैट्रेस कवर जो है वो मोस्टली किस लिए होता है कि पानी ना जाने दें आपके मैट्रेस पर। तो सब चीज़ों का लिंक और जो मेरा डिस्काउंट कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर बाय कर लेना। बाकी मैंने दावत का व्लॉग भी रिकॉर्ड किया हुआ है, और खाने वगैरह बनाते हुए भी रिकॉर्ड किया हुआ है, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। जैसे टाइम मिलता है मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आप सब लोग जो है वो घर का टूर भी मांग रहे हो, तो घर की एक दफा फाइनल कर दूँ सेटिंग, तो उसके बाद घर का टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, पहले पता है क्या था, बहनें आई हुई थी तो मैं मेरे साथ करवा के चली गई थी, अब मैं हूँ अकेली और चार बच्चों के साथ स्कूलिंग फिर सब कुछ देखना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर एक गुड न्यूज़ भी है, तो फिर मुझे उसके लिए भी शॉपिंग वॉपिंग करने जाना पड़ता है, मेरी गुड न्यूज़ नहीं है। तो खैर वो मैं सब आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए जो है ना क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगेगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वैसे गुड न्यूज़ किसकी है ये कमेंट करके जरूर बताना।